वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सुबह से हम कुछ वही बात हमेशा की तरह पूरा शो हम थोड़ा सकील किस्म का करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़े लाइटर मोड पे आ जाते हैं कि अब हम जरा फैशन को डिस्कस कर लें, फिर कपड़ों की बात कर लें, क्योंकि मुझे लगता है आजकल कपड़ों से बड़ी टेंशन किसी को कोई नहीं होती। तो जनाब इस पर हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और हमें ज्वाइन किया है बड़े जबरदस्त दो लोगों ने, एक तो बड़े जबरदस्त से फैशन डिजाइनर है कौसैन काजमी, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ साथ आपको कलर्स के हवाले से कुछ गाइडेंस चाहिए तो वार्डरोब के हवाले से कुछ चाहिए तो वार्डरोब कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद है समन असद, वेलकम टू द शो समन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। समन बहुत दिनों बाद आई है। हाँ बस ऐसे ही, हमने कहा आपके प्रोग्राम में कभी कभी आना चाहिए। क्यों समन ऐसे क्या मोहब्बत कम हो गई? नहीं बिल्कुल नहीं समन, ये भी हो सकता है। अच्छा जनाब समन और हम कौसैन से बात करते हैं। कौसैन सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी, आप अपनी कलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बताएं किस तरह की कलेक्शन है बेसिकली, किस फोटो पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि समर कलेक्शन है और ये समर वेडिंग्स के लिए हम लोगों ने कलेक्शन बनाई है, मोस्टली पेस्टल कलर्स हैं उसमें, और जो ब्राइडल्स हैं उसमें भी हम लोग जो है लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। लाइक अगर तो आपने रेड कंपल्सरी नहीं है तो आप टॉप जो है आप गोल्ड पहन लें, दुपट्टा कैन बी रेड और लहंगा कैन बी रेड, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज रियली गुड फॉर समर्स। और फिर ये है जो पेस्टल्स जो हैं हमारे तमाम इवेंट्स के लिए, फॉर्मल्स के लिए, इट्स रियली गुड। ठीक हो गया समन, कलर्स के लिए बड़े हम आजकल लिमिटेड से हो जाते हैं लेकिन कभी कभी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेते हैं, तो कलर स्कीम्स के हवाले से भी बताएं। मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और फिर जब एक वार्डरोब कंसल्टेंट आपको ऑब्लाइज कर रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, तो आप थोड़ा सा गाइडलाइन ले लें कि आपकी स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंगली आपके लिए कौन सी कलर पैलेट्स जो हैं वो बड़ी मुवाफिक हैं, बहुत अच्छी हैं, और उन कलर पैलेट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने डिजाइनर से कंसल्ट करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। एक तो डिजाइनर के लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं कहती हूँ असल कस्टमाइज डिजाइनर की वो होती है जब आजकल आपने देखा होगा हमारे जितने भी ब्राइड्स हो जाएं या कैजुअल वेयर में हो जाए, मतलब कोई भी ब्राइड वेयर में आप आ जाएं, लोगों की जो डिमांड है ना वो सिंगल कलर पे पूरी नहीं होती, उनको चाहिए कलर कॉम्बिनेशंस बहुत सारे। तो प्रोफेशनल्स तो कहते हैं कि ठीक है सिंगल हमारे कलर टोन में एक ड्रेस हो तो प्रोफेशनल हम इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सोशल इवेंट्स की बात की जाए उसमें बहुत सारे कलर्स लड़कियों को भी पसंद है, लड़के भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए लेकिन अपनी कलर पैलेट्स में रहते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कलर पैलेट में आपको एक दो कलर्स तो नहीं ना कोई भी बताएगा, वो आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली पूरे आपको एक कलर पैलेट देगा। इंसान का कलर पैलेट डिफरेंट होता है। ऐसे भी नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हम जितने भी पाकिस्तानी है ना, मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ दो अंडरटोन्स पाई जाती हैं, वार्म अंडरटोन भी पाई जाती है, कूल अंडरटोन भी पाई जाती है। वार्म अंडरटोन जो है ना वो हमारे जैसा पेशावर के लोग हैं जिनके बड़े गोल्ड हेयर्स, कलर्ड आईज और बड़ी गोरे चिट्टा सा रंग, लेकिन हम जो है लाहौरी मुल्तानी हम लोग कूल अंडरटोन्स में आते हैं, तो कूल अंडरटोन के लोगों के लिए जो पैलेट्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, वार्म के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन उन पैलेट में कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। मजे की बात जो इसमें कि इसमें लाइटर टोन्स भी होती हैं और ब्राइटर भी डार्कर भी, उसमें अब आपने देखना है कि आपने अपनी फिजिक के अकॉर्डिंगली कौन सी कलर पैलेट सेलेक्ट करनी है, ठीक हो तो ये सारी डिटेल उसमें होती ठीक है। फिजिक के अकॉर्डिंगली कट्स भी सिलेक्ट करनी चाहिए कौसैन, लेकिन बहुत सारी खवातीन इस पे भी फोकस नहीं करती, वो कहती बस फलाने नहीं पहना हमें भी यही जच जाएगा। यही है बिल्कुल एग्जैक्टली, व्हिच इज रियली रॉन्ग। आई थिंक आपकी आपका फिगर बहुत मैटर करता है, आपकी हाइट बहुत मैटर करती है, और बीइंग अ डिजाइनर आप सजेस्ट कर सकते हैं और कस्टमर को आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस इज ऑलवेज कस्टमर। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर शॉर्ट और इफ़ यू आर ऑन द हैवियर साइड, आप थोड़े से हैवियर साइड पे हैं, तो फिर आपको ऐसा पैलेट लेना चाहिए आप शो करें, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी शर्ट है वो ज्यादा फ्लेरी ना हो, ठीक है आप स्ट्रेट सिल्वेट पे जाइए और आप लॉन्ग में जाएं, शॉर्ट ना पहने, शॉर्ट ना पहने, शॉर्ट ना पहने। आप अगर आप शॉर्ट हैं और आप और शॉर्ट पहने, जब आया था ना लंबी शर्ट्स वाला बड़ी जिंदगी सुकून में थी, लंबी इट्स कमिंग बैक विद द बैक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि अब इट्स बीन 5-6 इयर्स नाउ कि आप लोग शॉर्ट पहन रहे हैं, प्रॉब्लम चल गए ठीक है, उसका शरारा वगैरह करके आप आराम से एक शर्ट और एक मैं तो टाइट से एक लेकर तो उसके साथ करके हाइट बड़े मजे की है ना, ये तो कुछ भी शॉर्ट भी पहन सकती है और ये मतलब कभी कभी नहीं भी पहना। अभी हम जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे तो आप इनकी शर्ट से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीरियसली
उसमें देखें अगर वो उससे वन टोन्ड होता तो शायद वो इतना अट्रैक्टिव ना होता. इसमें जो फ्लोरल उन्होंने शेड दिया पीच, इट्स रियली गुड. उन्होंने ना ये कॉम्बिनेशन वाला मैं कहती हूं ना, सही आजमाइश उस वक्त शुरू होती है डिजाइनर की या कंसल्टेंट की जब आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो आप एक कलर पर तो स्टिक नहीं करते. बिल्कुल भी नहीं. अगर पेस्टल्स में आप जा रहे हैं तो फिर सिंगल शेड पे भी रह सकते हैं. आइस ब्लू कलर का पूरा आउटफिट है, लेकिन जैसे आप फ्लोरल अगर प्रिंट है तो आप उसमें जिंक ब्लू या कोई ऐसा थोड़ा सा उसको हाईलाइट हाईलाइट करने के लिए आपको ऐसे कलर के उसके में फ्लावर्स या कुछ ऐसा कर लें ताकि वो उसका उम फैक्टर आ जाए उसके अंदर. हाँ. पता चले कि एक ड्रेस के एलिगेंस है उसके अंदर. एलिगेंस है बिल्कुल. अच्छा सामिल, कच की जैसे भी कॉस हिंदी बात कर रही हूँ, कलर शेड्स की बात करी, लेकिन समटाइम्स हमारी जो हाइट है, जो आपके थोड़े टॉल लोग होते हैं या शॉर्ट होते हैं, उनके लिए बॉडी स्ट्रक्चर को बैलेंस रखने के लिए भी कुछ लाइंस वाले प्रिंट्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ वर्टिकल होते हैं, उनमें थोड़ी गाइडेंस की. देखिए मैं बताऊं, जो टॉल होते हैं ना वो तो वर्टिकल लाइंस से अवॉइड करें, वो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, चेक्स भी ले सकते हैं, पोल्का डॉट्स भी ले सकते हैं. बट फॉर दोज जो बहुत शॉर्ट है ना, उनके लिए दो चीजें, एक तो वो हर प्रिंट या हर डिजाइन ऐसा ले जो एलोंगेट करे, यानी वो आपका वर्टिकल लाइंस में हो, फिर वो चाहे कोई प्रिंट है फैब्रिक के ऊपर, चाहे वो लाइंस है. पोल्का डॉट्स उनके लिए नहीं है, चेक्स उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट है, उन्होंने चेक पहन लिया तो वो चेक ने उनको बहुत ज्यादा इस तरफ कर दिया. एक चीज जो है कि बहुत सारे लोग एक गलत जो है उनको होती है इन्फॉर्मेशन कि वो कहते हैं कि बहुत हैवी साइड पे और शॉर्ट है तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ना बहुत छोटे जो आपके होते हैं यू नो बारीक प्रिंट्स वो कहते हैं वो पहन लो, तो मुझे लगता है ये भी गलत चीज है. exactly. बहुत छोटे पे नहीं जाना चाहिए आपको. ठीक है, ठीक. बहुत बारीक में ना जाएं ताकि बैलेंस रहे फिजिक का और प्रिंट का. प्रिंट का exactly. हाँ. अच्छा हसन सर, अभी आपकी कलेक्शन भी डेफिनेटली भी हम जाकर भी वहां पर देखेंगे. आप किस तरह का काम इन है, मतलब दबके का काम है, किस तरह के काम, बिकॉज मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ दबके का काम का पता है. मैं आपसे डिटेल लूंगी किस तरह का वर्क, हैंड वर्क होता है सारा, तो उस पर क्या आप लोग उस पर करते हो? देखिए काम दबका इज टाइमलेस. दबका एक ऐसी चीज है, दबका और नक्शी, कि इसका काम खराब नहीं होता. लेकिन क्योंकि आजकल जो है ट्रेल्स इन हैं और फ्लेरी गाउन्स हैं, आप कितना उस पर दबके का काम करेंगे, तो उसमें आजकल ये है कि उसको हम बैलेंस करने के लिए भी यूज क्रिस्टल्स और उसमें सुरोस्कीज यूज होती हैं. तो ये चीजें ऐसी हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स अगर आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वर्कमैनशिप भी थोड़ी सी हमारी बैलेंस हो जाती है, और यह है कि काम जरा वो भरा लगता है। और अब हम कसैन की कलेक्शन देखने वाले हैं. कसैन किस तरह की कलेक्शन लाए हैं और क्या क्या दिखाएंगे आप? इसमें हमारे पार्टी वेयर्स भी हैं. ठीक है. अब ये एक पेपलम है, ये हमारा बारात के इवेंट पे भी पहन सकते हैं आप, वलीमे के इवेंट के लिए तो बहुत ही परफेक्ट है. परफेक्ट है, कलर इज वेरी एग्जैक्टली. आप इस कैमरे में कॉस्टन दिखा दें ताकि इसका exactly. अच्छा, इस पे काम किस तरह का हुआ है? इस पे आप देखें, इस पे दबका वगैरह भी है और इसमें पर्ल्स और क्रिस्टल्स भी हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने उसको इस तरह इनकॉर्पोरेट किया कि ये हैवी लुक भी दे रहा है और ये बड़ा क्लासी भी लगता है. लवली. ये वाला ड्रेस भी आप दिखाइए. एग्जैक्टली, ये फॉर मेहंदी इवेंट्स है या निकाह के इवेंट पे भी चल सकता है. ये इट्स वेरी कलरफुल और इसमें बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई है. इसमें रेशम है, ब्लॉक प्रिंटिंग है. ये क्वेश्चन मैं कैमरे में दिखा देती हूँ. अच्छा, ये क्या, ये नीचे जो कलर्स नहीं, ये क्या ब्लॉक प्रिंटिंग है? या ये ब्लॉक प्रिंटिंग है और सबसे नीचे जो है ये हमारा दबके का काम. एग्जैक्टली. अच्छा, ये काम आपको शायद कैमरे पे इतना ज्यादा क्लियर नजर ना आए, लेकिन ये असल में बहुत बारीक काम है और बहुत भरा हुआ काम है कि आप जब वो बंदी कैरी करेगी उसको लग पता जाएगा. मतलब अक्सर तो ब्राइडल्स बेचारी इस मुश्किल में. अच्छा जी, ये क्या? ये जो है ये वलीमा के लिए बहुत अच्छा है. कलर इज वेरी एग्जैक्टली. और ये फैब्रिक भी आजकल बहुत इन है. टिश्यू है ये? एग्जैक्टली, इट्स टिश्यू. टिश्यू इज वेरी ठीक हो गया. परफेक्ट. ये जैकेट है, ये वाली भी स्ट्रेट जैकेट है. ठीक है. इसमें बहुत बारीक नफीस किस्म का काम है. अच्छा, सिंगल रेशम भी है. गोटा, सिंगल रेशम. और ये मेहंदी में भी कैरी हो सकता है? हाँ, ये मेहंदी के लिए और वलीमे के लिए दोनों के लिए परफेक्ट है. ये देखिए, ये हमारे ये वेडिंगिश फॉर्मल्स थे. ये हमारे ये वाला भी दिखाते हैं. ये हम इधर से देखते हैं. ये वाला देखें जनाब, जो अभी पर्ल्स की बात कर रहे थे, ये वो वाला काम है और टाई एंड डाई के साथ है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. इसमें हमने टू टोन्स दी हुई है ताकि वो जरा कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं. और इसमें हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी के साथ इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे क्रिस्टल्स के एम्बेलिशमेंट्स हैं. लवली. बर्थडेज पे पहन सकते हैं, निकाह इवेंट्स पे पहन सकते हैं. लवली लवली लवली. ठीक है कौशन, हम उधर को चलते हैं और समन से भी जानते हैं. समन, अभी जो हम सारी कलेक्शन देख रहे थे, इसमें कलर्स की सेपरेशन के भी आप कुछ ब्रेक में बात
एग्जैक्टली कलर के सेपरेशन की बात ये कर रहे थे कि क्योंकि अभी इससे पहले हम एक फिजिक के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम वही मेयर का सैन अभी ऑफ एयर भी बाहर भी बात कर रहे थे कि जो लोग बहुत हैवियर साइड पे और शॉर्ट हैं तो वो ये जो डबल टोन है वो ना पहने क्योंकि वो उनको डिवाइड कर देगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप कहते हैं कि मैं कॉम्बिनेशन में चली जाऊं, मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है तो मैं व्हाइट ट्राउजर कर लूं, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो शॉर्ट लेंथ और हैवियर साइड पे आप वो लोग वो ना इसको कैरी करें, हाँ वो अवॉइड करें। हाँ पता है ये जो फैटी साइड है और जो शॉर्टर साइड है उनके लिए कि अगर आप सिंगल टोन में जाएं, सिंगल टोन से मुराद जैसा कलर का बेस आपका शर्ट का है वैसा ही ट्राउजर का हो। और एक बड़ी मजे की प्रोफेशनल्स के लिए जो बात है वो ये कि अगर आप सिंगल टोन में जा रहे हैं तो एक होता है ना प्लीट्स, एक होता है पैनल, आप शर्ट पे पैनल डालें, पैनल क्या करेगा वो एलोंगेट लुक दे देगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो जब आपने पैनलिंग कर ली तो वो आपकी ओवरऑल लुक में ना आप बहुत आपकी जो हाइट है वो बहुत अच्छी लगती है, टॉल लगते हो आप। हाँ ये पैनल्स अच्छा पैनल्स वाले तो कुर्तियां भी चल रही हैं, वो बहुत मजे की है यार। अब मुझे तो याद है मेरी अम्मी के जो कुर्ते हैं ना उनमें पैनल्स हैं सब में यार। और मैं बताऊं पहले ये अभी भी थोड़ा सा ट्रेंड हमारे यहाँ पे दोबारा से वो चेंज हो रहा है और पैनल्स वाले कुर्ते आ रहे हैं। बीच में उन्होंने बिल्कुल पैनल खत्म कर दिया था, बस उनका ख्याल था कि कॉलर्स हो जाए, कफ्स वैसे हो जाए, स्लीव्स वैसे हो जाए और वो लूज फिटेड है तो वो ठीक है। अच्छा फिट के ऊपर भी बात करें ना, लूज फिटेड में जाए, लूज फिटेड मैं चाहती हूँ आप स्लिम है, हाँ अगर आप बहुत स्लिम है तब भी आप लूज फिटेड में जाएं क्योंकि स्किनी चाहते हैं ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ब्रॉड थोड़ी सी जान फिरी भी लगे, पहले वो फंसे हुए कपड़े भी आते हैं वो ऐसे लगते हैं कि पहन कर एग्जैक्टली ये मैं कहने लगी थी, मतलब थोड़े नॉर्मल कुर्ता स्टाइल आप पहने तो वो वैसे भी डिसेंट लगता है। कैजुअल्स में और सेमी फॉर्मल में पार्टी वेयर में डिफरेंस होना चाहिए, एग्जैक्टली कम्फर्ट लेवल अब बहुत जरूरी है ना, आप कम्फर्टेबल फील करें। अच्छा ये भी एक बड़ी बात है, मैं चाहूंगी हमारे कॉलर्स भी आए और हमारे साथ डिस्कशन का उसमें पार्ट बने, बिकॉज़ हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। समन और कासिम दोनों से अगर आप बात करना चाहें, मैं ये बात करना चाह रही थी समन और कासिम आप लोग एग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कैरी कर लेते हैं ड्रेस बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, बेचारे पूरे फंक्शन में मुश्किल में घूम रहे होते हैं, कोई अपना दुपट्टा सेट कर रहा है, कोई अपनी शर्ट की पीछे से लेंथ अगर कम है या कुछ इसकी बड़े मजे की बात है ये, इसमें मेजोरिटी वो लोग हैं जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बिल्कुल वो ये नहीं देख रहे होते कि जो चीज मैंने पहनी है यार मेरी फिजिक उस पे जाती भी है कि नहीं। ब्लाइंडली कभी किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं, एग्जैक्टली वो ट्रेंड आपका अपना, ट्रेंड आपका अपना जो आप पे सूट करता दैट इज ट्रेंड। आप शलवार अभी भी पहनेंगे इट्स वो ट्रेंडी भी लगती है और वो काम ऑलवेज इन ट्रेंड, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल आप जब अब हाईलाइट कर सकते हैं शलवार को, आप उसमें डिफरेंट ऐड कर लें, एग्जैक्टली कैजुअल्स में आई थिंक ये चीज बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा आपका कंफर्ट। अब चूंकि लॉन्च भी आ जाएंगे उसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और लॉन्च की तो बकायदा जंग चल रही होती है, बहुत चल रही है इस वक्त। आजकल मैं वही सैन को बताई थी मैंने एक नया काम पकड़ा हुआ है, बीइंग अ कंसल्टेंट मैं हर ब्रांड के अंदर घुस जाती हूँ और जाके पूछती हूँ इस दफा कितने डिजाइन निकाले हैं, डिजाइन में कलर कितने हैं, साइजेस कौन से फॉलो किए हैं, तो मैं बड़े बड़ी मैंने इतना जबरदस्त मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है जब मैं देखने गई हूँ तो फिर मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया। कुछ लोगों ने तो इतना प्रिंट के ऊपर काम किया, मैं उनको कही थी कि भाई आप इतना प्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं आपने प्रोफेशनल्स के बारे में सोचा है, वो बेचारे कहाँ जाए। मैं आपको बताऊँ अभी मैं अपने शो के लिए भी अगर कपड़े लेने जाती हूँ ओवर कलेक्शन होती है, मुझे इतनी मुश्किल आती है समटाइम्स, कुछ जगहों पे तो आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं लेकिन हमारी स्क्रीन पर प्रिंटेड अच्छे नहीं लगते। आई ऑलवेज नीड प्लेन या मुझे होता है बटन के साथ, आपकी पर्सनालिटी पीछे रह जाती है आपका प्रिंट हाईलाइट हो रहा होता है। हर ब्रांड पे आपको लॉन में प्रिंट ही प्रिंट है, लेकिन नहीं इस दफा आप जाके विजिट करो मैं आपको बताऊंगी दो ब्रांड्स के नाम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनमें ऐसे आपको मिलेंगे जो आप ना प्रोफेशनली कैरी कर सकते हैं। उसमें इतना प्रिंट नहीं है, उन्होंने कटवर्क के ऊपर बड़ा काम किया है। अच्छा ये जो बड़ी चीजें हैं कटवर्क, फिर एप्लीक वर्क, फिर वो क्या ये जो उसमें नहीं होता आपका पैचेस के साथ कटिंग आउटलाइंस, वो फिर पेंट के ऊपर आउटलाइंस, कलर्स बड़े मैटर करते हैं। समटाइम्स होता है आपने प्रिंट ठीक है आपने प्रिंट बना लिया लेकिन उसके आपस में कलर्स क्या है। देखिए लॉन क्या है समर्स के लिए, हाँ और उसमें आप इतने वाइब्रेंट आप प्रिंट्स दे रहे हैं, ट्राउजर भी प्रिंटेड, शर्ट भी प्रिंटेड, दुपट्टास भी प्रिंटेड, हैवी एम्ब्रॉयडरीज ट्राउजर्स के ऊपर, एग्जैक्टली तो आप लोगों को यू शुड प्ले सेफली कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने थ्री पीस ले भी लिया है तो आप उसका आप अपने लिए ट्राउजर्स बनवाइए पेस्टल कलर्स में, जैसे ऑफ वाइट बनवा लें और कोई भी क्रीम कलर इस तरह के आप कलर्स में आप ट्राउजर्स बनवाइए, एग्जैक्टली और किसी के साथ प्रिंटेड दुपट्टा पहन सकते हैं, किसी के साथ प्लेन दुपट्टा एंड प्रिंटेड शर्ट पहन सकते हैं, यू शुड प्ले वाइजली। और इसके लिए आपको अच्छा अभी जरा दोबारा से आते हैं, पहले जब हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन मैंने यही बात शुरू की थी
जो खवातीन शादी पर दुल्हन से ज्यादा तैयार हो क्या उनके बारे में उनका क्या किया जाए, मतलब मैं सॉरी नो ऑफेंस बट स्टिल आप अक्सर शादियों में देखते हैं खवातीन बेचारी दुल्हन कहीं दूर बैठी होती है, बहनें भाभियां एग्जैक्टली मैं कहने लगी थी बहनों ने इतने जेवरात पहने होते हैं, भाभियां सारी ऐसे तैयार होके भरे हुए कपड़े करके पहन जाती है, मतलब यार दुल्हन का तो थोड़ा ख्याल, आज मेरा ख्याल है प्रोग्राम सब देख रहे हैं उनको अवेयरनेस तो आ जाएगी, मतलब सॉरी मैं किसी को नहीं आपका तैयार होने का हक है लेकिन थोड़ा हौला इतना नहीं कि आप खुद ही दुल्हन लगना शुरू हो जाए ऐसे आती होंगी क्योंकि दुल्हन से ज्यादा बहुत ज्यादा क्योंकि ऐसे कट्स एक्चुअली ऐसे आ चुके हैं ना, अब गाउन्स हैं अगर उस पे काम कम भी हो फिर वही सिल्वेट मैटर्स अ लॉट, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट अगर आपने स्ट्रेट शर्ट हैवीली एम्बेलिश पहनी हुई है तो शायद वो वैसी एलिगेंट ना लगे, इतनी हैवी ना लगे, अगर आपने कुछ फ्लोर लेंथ पहना हुआ है उस पे जरकाम्स क्रिस्टल्स वगैरह ज्यादा हैं तो आप ज्यादा शाइनी आप लग रहे हो, वाइब्रेंट लग रहे होते हैं, इसमें कलर का भी बड़ा रोल होता है ना, कलर आपने इतना ब्राइट सेलेक्ट कर लिया, लाल अगर दुल्हन ने पहने तो साथ में चार लोगों ने और भी लाल पहन के ये नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए, कलर ले लेती हूं फायजा हो सकता है उनके पास भी ऐसी को बात हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम सलाम, मेरा इनसे ये सवाल है जो आपके गेस्ट थे इनसे ये सवाल है कि जो लड़कियां बहुत पतली होती हैं स्मार्ट होती हैं उन पे कौन से कलर सूट करते हैं और उन पे कौन से ऐसी एम्ब्रॉयडरी या कौन सा ऐसा काम होना चाहिए लहंगे पे जो अच्छे से कैरी कर सके और ऑकवर्ड भी ना लगे वो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फायजा, बहुत शुक्रिया जी समन। और अगर वो स्किनी हैं और तो उन्हें डेफिनेटली दे कैन कैरी ट्रेल्स, आप ट्रेल्स पहन सकते हैं, आप यू आर लकी, आप लहंगा पहने और शॉर्ट शर्ट्स आप पे बहुत सूट करेंगी, शॉर्ट कुर्तीज जो हैं वो आप पहने, लहंगा पहनिए वो बहुत अच्छा है, और आप वर्टिकल अगर आप लाइंस पहनते हैं आप उसमें भी आप यू लुक सो गुड, आपको तो आप लोगों के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, सबसे मजे की बात ये हर ब्रांड में आपके लिए कपड़ा अवेलेबल है। हाँ, exactly. अब ये क्या ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, आप लाइट कलर्स में आ जाएं क्योंकि लाइट कलर्स जब आप पहनते हैं ना वो आपके अंदर थोड़ी सी जान दे देता है, फिर वो आप इतने स्किनी नहीं लगते, और अगर आप डार्क पहन लेते हैं तो फिर आप और ज्यादा स्किनी लगना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन अगर ये ब्राइडल का पूछनी है तो फिर ब्राइडल्स में तो ये है कि आप हैवी भी पहन सकते हैं, आपके स्लीव्स बहुत ज्यादा हैवीली एम्बेलिश्ड भी हो सकते हैं और आप ओवरवेट नहीं लगेंगे। ठीक हो गया, अच्छा जनाब ये हमने बात तो कर ली, अब जरा हम एक एक मैसेज लेते हैं और कौसेन से पूछते हैं इनका स्टूडियो कहाँ है, जो लोग इनको विजिट भी करना चाहे। समझ आज के टॉपिक के हवाले से कोई डिटेल्ड मैसेज आप हमारे देखने वालों को? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप प्लीज ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, जो मैं हमेशा कहती हूँ नॉर्मली आप ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, ट्रेंड वो है जो आपके ऊपर सूटेबल है, लोग आपको लेकर इंस्पायर हो रहे होते हैं, आपको देख के जब लोग पसंद करते हैं ना, आपने अक्सर देखा होता है मार्केट में किसी को पहना हुआ देखते हैं कहते हैं ये पहनना है, ये भी ना करें, बहुत बड़ी मिस्टेक है, इट्स अ बाइंग मिस्टेक, आप देखें आप पे क्या अच्छा लग रहा है, अपनी कलर टोन देखें, अपनी फिजिक देखें, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आप सिलेक्शन करें, दैट विल बी ट्रेंड फॉर यू। एग्जैक्टली, और समटाइम्स आप ये भी ना सोचे कि फलानी एक्ट्रेस ने अपनी शादी पे ये पहना था तो मैंने भी अब यही पहना, नो बिग नो नो। ठीक हो गया, कौसेन आपका स्टूडियो कहाँ पर है? कैंट में है। ठीक है, स्टूडियो इज इन कैंट। और सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हैं? जी जी बिल्कुल, कौसेन के काजमी के नाम, कौसेन काजमी। लवली, कौसेन क्या मैसेज देंगे कलर्स के हवाले से, कच के हवाले से हमारे देखने वालों को? ब्राइडल्स में मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि अब हैवी ब्राइडल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, और कुछ लोग अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो प्लीज इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इंजॉय द डे, आप अगर लाइट भी कुछ पहन रहे हैं, अगर आपका ब्राइडल इतना हैवी नहीं है, स्टिल बाय द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लुक 1000 times better than every other. हाँ, क्योंकि एक दुल्हन की natural glow भी होती है. Definitely. That day उसका एक. हाँ, so panic ना हो, just stay happy और अपना रिसर्च कर लें, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी ऑप्शंस देखिए, लाइटर अगर आपका अगर आप इतना ज्यादा हैवी नहीं पहन सकते आप कोई डार्क कलर्स में चले जाइए और आप उस पर काम थोड़ा सा कम भी हो जाए, शर्ट आप हैवी कर लें और लहंगा हल्का कर लें, देयर आर सो मेनी वेज, सिर्फ आपको ये कि एक दफा आइए, लेट्स हैव अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन और फिर आप जो है उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। और जो कंसल्टेंट और डिजाइनर की जो आपकी सबकी अगर मिलकर एक चीज पर आ जाएं तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, जरूरी नहीं कि आप भारी भरकम जोड़े ही पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, अदरवाइज भी आप अच्छे लग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और बड़ा जबरदस्त काम करें आप लोग। जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, अभी हमारी पार्टी शुरू हुई है, यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हम आपका हमारा साथ रहता है, और इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा, और इन केस अगर आज के शो के हवाले से आपको हमें फीडबैक देना चाहते हैं
तो हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।